डिजायर्ड स्टेट में शिफ्ट करने से पहले आप एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हो एंड उस प्रोसेस में आप बहुत कुछ अंडरस्टैंड और रियलाइज करते हो। जैसे मैं जो है वो आपकी अवेयरनेस है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरी हाइट ऐसी है, मेरी स्किन ऐसी है, मेरा नेचर ऐसा है, मैं गुस्से में हूँ, मैं प्यार में हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ। इन सब में एक ही कॉमन वर्ड है और वो है मैं। तो ये हमारी अवेयरनेस है और अवेयरनेस जो है वो हमेशा रहती है। अवेयरनेस यानी कि मैं कभी भी चेंज नहीं होता। मतलब अगर मैं इधर बैठी हूँ वो सिचुएशन है, परसेप्शन है, सर्कमस्टांस है, बैठी हूँ वो चेंज हो सकता है, बट अवेयरनेस मैं वो कभी नहीं बदलता। जब आप इस चीज़ को रियलाइज करते हो कि आई एम, जैसा कि लॉ ऑफ अजम्पशन की लैंग्वेज में कहा जाता है, आई एम, जो आई एम है वो हमारी अवेयरनेस है और ये कभी नहीं जाती। दिस इज़ परमानेंट। बट आई एम के आगे आप जो मर्जी लगाओ, वो या तो आपके थॉट्स होंगे, या आपके इमोशंस होंगे, या आपके परसेप्शंस होंगे, या आपके पिछले थॉट्स की मैनिफेस्टेशन होंगी और वो कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है। जैसे कि आई एम सैड, तो आई एम जो है वो है आपकी अवेयरनेस, सैड जो है वो है इमोशन, और इमोशंस जो हैं वो हमेशा बदलते हैं, हमारे थॉट्स हमेशा बदलते हैं, हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। जैसे जब हम छोटे थे हम इस वर्ल्ड को एक अलग नज़रिए से देखते थे। क्या आपको वो नज़रिया याद है? कितने मस्त रहते थे आप। लेकिन अब हम इसी वर्ल्ड को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। अब हम उतने ही दुखी या सैड हैं, या हम उतने ही डेस्परेट हैं, या हमें उतनी ही हमारी वैल्यू कम लगती है। परसेप्शन बदल गया टाइम के साथ। ये चीज़ें जो हैं ये कभी भी परमानेंट नहीं रहने वाली, ये बदलती रहेंगी। जब हमें मैनिफेस्टेशन का नॉलेज मिलता है, अगर उससे पहले आप अपनी अवेयरनेस को समझते हो कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं अपने थॉट्स हूँ, मैं इमोशंस हूँ, या पिछले 20 सालों से आई एम जो एक ब्लैंक पेपर था, मेरी अवेयरनेस जो एक ब्लैंक शीट थी, उसके ऊपर मैंने कितना कुछ पेंट कर दिया है। इफ यू आर 20 years old, 20 years ऑफ बिलीव्स, ऑफ परसेप्शंस यू हैव पेंटेड ऑन योर अवेयरनेस। एंड अब जब आपको मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करनी है, आप उस स्टेट में इसलिए शिफ्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि आप अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने परसेप्शंस, जो कि एक टेम्प्रेरी चीज़ है जो आती जाती रहेंगी, आप उनके साथ बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड हो गए हो। जैसे आप एक गुफा में जा रहे हो, ठीक है, आप एक गुफा में जा रहे हो एंड आप उस गुफा में, उस अंधेरे में चलते जा रहे हो एंड आप उस गुफा से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। अगर आप उस गुफा से बाहर निकलो तो आपको पता चले कि अंधेरा नहीं, उजाला है। प्रॉब्लम क्या है? जब हम कहते हैं आई एम, इस आई एम को हम अपने इमोशंस, थॉट्स या परसेप्शंस के बेसिस पे ऐसे ही नॉर्मली कह देते हैं। जैसे अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप नॉर्मली कह दोगे, हाँ यार मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम पे लैक में जीते हो। आपको ऐसा लगता है लैक नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, एक ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, एक ऐसा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है जहाँ पे
कुछ ना होना आपके पास ऐसा महसूस करवाता है। आप लैक में बिलीव करते हो। सी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने कहीं पे भी किसी को इसके बारे में बात करते हुए नहीं सुना। देखो, हम जब मैनिफेस्ट करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं आई हैव माई डिज़ायर, और फिर उसके बाद हम रियलिटी में जाते हैं, रियलिटी को देखते हैं कि इसमें साइंस आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं। मतलब हमने अगर एक स्पॉट को हिट करना है, हम उसे हिट करने के बजाय उसके आसपास घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जबकि अगर आप अपनी अवेयरनेस को तोड़े अगर, ठीक है, कुछ फैक्टर्स में, तो आपको ना 6-7 पॉइंट्स मिलेंगे, जिसमें सबसे लास्ट पॉइंट होगा रिजल्ट्स का, जो हमें हमारी रियलिटी में दिखता है, राइट? अगर आप इसको तोड़ते हैं, आप इसे तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको समझ आएगा कि अवेयरनेस कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की है। आई हैव ट्राइड कि मैं डीकोड करके आपको समझाऊं कि कैसे अवेयरनेस का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है मैनिफेस्टेशन के लिए। अगर आप अवेयरनेस, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, को समझ जाते हैं, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो सी, ये एक फ्लो चार्ट है ऑफ आर अवेयरनेस, बेसिकली कि हमारी अवेयरनेस से कैसे हम, जो हमारे माइंड में चल रहा है, बेसिकली कोर बिलीफ जो है हमारा, जो वहाँ चल रहा है, कैसे हम उससे अपनी रियलिटी तक पहुँचते हैं। दीज आर द 6-7 पॉइंट्स दैट आई वॉज एबल टू डीकोड, एंड इसी के बेसिस पे आई हैव फॉर्म्ड 2 एग्जाम्पल्स, ओके? एंड आई होप कि आप इससे रिलेट कर सके। मैं इसका कहीं फ्लो चार्ट बना के आई विल पोस्ट दिस, आई विल शो सम काइंड ऑफ फ्लो चार्ट व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, सो आई विल बी रेफरिंग टू दिस। सी, अगर आप अवेयरनेस को स्ट्रक्चर्ड वे में डिफाइन करेंगे, सबसे पहले तो उसका कोई स्ट्रक्चर है नहीं, ठीक है? देयर आर नो स्ट्रक्चर्ड थाट्स, ठीक है? देयर आर नो स्ट्रक्चर्ड इमोशंस, क्योंकि जब थॉट्स एंड इमोशंस आते हैं, यूजुअली या तो वो हमारी रियलिटी के बेसिस पे हमें फील होते हैं, और उस फीलिंग से हम थॉट प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली देयर इज अ प्रोसेस, बट आप किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ पता होती है, आपको सिर्फ पता होती है कि हाँ ये चीज़ है। सो सबसे पहले अगर हम एक अवेयरनेस को डीकोड करते हैं, सबसे पहला सर्कल, दैट इज़ आर कोर, ठीक है? कोर बिलीफ, इट्स नॉट इनसाइड आर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, हमारी अवेयरनेस के अंदर है। अवेयरनेस इज लाइक कंप्लीटली यू आर प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड यू नो समथिंग अबाउट योर डिज़ायर। सो द कोर जो होता है वो होता है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, हमारा बिलीफ, हमारी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्सेप्ट में कि बचपन से मैं अपने आप को कैसे देखती आई हूँ, मैं बचपन से अपने आप को कैसे देखता आया हूँ, मेरे आसपास लोग कैसे थे, मुझे उन्होंने कैसे ट्रीट किया, और उसके बेसिस पे मैं अपने आप को यहाँ इस जगह पे फिट इन समझता हूँ। जैसे अगर आपका बचपन ठीक से नहीं गुजरा है, अगर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं, आप बुली हुए हो, तो आपका यूजुअली यही सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा कि मे बी आई डोंट फिट इन समवेयर। एंड 99% लोगों का यही कॉन्सेप्ट होता है, दे डोंट हैव अ गुड सेल्फ कॉन्सेप्ट बिकॉज उनके आसपास चीज़ें ऐसी हुई होती हैं। मतलब अगर आपके पेरेंट्स जो हैं मनी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एंड बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं, तो आपका भी ये बिलीव बन जाता है मनी को लेके कि हाँ मनी समथिंग जो कि बहुत कम है इस दुनिया में और बहुत मुश्किल से मिलता है, एंड वो आपके बिलीव्स बन जाते हैं, एंड आप उसी को उस नज़र से देखना शुरू कर देते हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट में हर एक चीज़ आती है, ठीक है? आपके रिलेशंस आ जाते हैं, खुद को कैसे आप ट्रीट करते हो, आप खुद के साथ बैठ पाते हो कि नहीं। जैसे
अगर आप एक एसपी रिलेटेड केस में अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव कर रहे हो, राइट, सो मतलब आप सेल्फ कॉन्सेप्ट में भी अंधाधुन कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, आपको रूट पकड़ना पड़ेगा. रूट कॉज क्या है आपका, क्यों आपका एसपी के साथ आफ्टर ब्रेकअप यू आर फीलिंग दिस वे, यू आर फीलिंग कि आपको कोई छोड़ गया, यू आर फीलिंग यू वर अबैंडन्ड. व्हाई आर यू फीलिंग दिस वे, कभी पूछा है आपने खुद से? आपको 5-6 आंसर्स मिलेंगे. आपको लगेगा कि मे बी मैंने, आपको सबसे पहले ऐसा लगेगा कि मैंने इतना कुछ किया फिर भी छोड़ के चला गया, या फिर भी छोड़ के चलेगी. मैंने इतना कुछ किया, इतना तो कोई करता भी नहीं है किसी के लिए, मैंने फिर भी इतना कुछ किया. मैं अपनी फैमिली के खिलाफ चली गई, मैंने सारी दुनिया से लड़ाई की, मैंने अपना घर छोड़ने की तैयारी की, मैंने मेरे पास पैसे नहीं थे फिर भी मैंने सब कुछ किया, मतलब मैंने अपना करियर तक दांव पे लगा दिया, मैंने इतना कुछ कर दिया लेकिन फिर भी मेरा एसपी मुझे छोड़ के चला गया. सबसे पहले आपको ये चीज़ आएगी, इसको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा कि कोई इंसान इतना करने के बाद किसी को कैसे छोड़ सकता है. सबसे पहला पॉइंट ये आएगा, ये आपकी कॉन्शियसनेस में चलता है यूजुअली. एंड फिर आप सोचते हो कि ठीक है हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, एंड आप मैनिफेस्टेशन को समझने की कोशिश करते हो, एंड आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि अगर मैं ऐसा महसूस कर लूँ कि उसने मुझे कॉल किया या उसने मुझसे बात की, कमिटमेंट दी, तो मेरा काम हो गया. लेकिन आप उधर घुस नहीं पाते. क्यों? क्योंकि आपने रूट कॉज को नहीं पकड़ा ना. आपको जब ये अबैंडनमेंट फील हुआ कि वो छोड़ के चली गई या चला गया, उसके बाद आपको ऐसा पूछना चाहिए कि मुझे अब कैसा महसूस हो रहा है. तो आपको मिलेगा कि मैं बहुत सैड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रोने का भी मन कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, ऐसी कौन सी स्टोरी डालूँ जिससे वो बदल जाए. मतलब आप डेस्परेटली चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हो इंस्टेड ऑफ आस्किंग योरसेल्फ कि मुझे उस इंसान के ऐसे कहने से या ऐसा एक्ट करने से इतना फील क्यों हो रहा है. और उसका रीज़न यही होगा, कहीं ना कहीं आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी कोई एक ऐसी इनसिक्योरिटी रही होगी. अगर यूजुअली आप इस चीज़ में बिलीव करते हो कि रिलेशनशिप्स में दो बराबरी वालों को रिलेशनशिप में आना चाहिए, और अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एसपी आपसे ऊपर के लेवल का है, तो आपकी यही इनसिक्योरिटी होगी कि इसको तो कोई भी मुझसे बेहतर मिल सकता है, ये तो कहीं पर भी आगे बढ़ सकता है, ये तो इसको तो कोई भी मिल जाएगा, मेरे से तो बेहतर इसको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे. इनडायरेक्टली आप क्या समझते हो कि आप डिज़र्व नहीं करते अपने एसपी को. इनडायरेक्टली आप ये चीज़ समझते हो कि शायद मैं इसे डिज़र्व नहीं करती या मैं इसे डिज़र्व नहीं करता. और ये सबसे बड़ा इल्यूजन है. क्यों? क्योंकि बचपन से लेके अभी तक बहुत ऐसा कम हुआ होगा कि आपकी लाइफ में कुछ भी परमानेंटली टिका हो एक्सेप्ट योर पेरेंट्स. इन सम केसेस देयर माइट नॉट बी द सेम केस, बट यूजुअली हमारी फैमिली ही हमारे साथ टिकी रहती है और हमें आदत नहीं होती किसी और के इतने लंबे अरसे के लिए टिकने की. सो बेसिकली हम क्या फील करते हैं कि हम उसे डिजर्व नहीं करते. क्यों? क्योंकि वो हमसे बेहतर है. और कहीं ना कहीं जब हम किसी और को अपने से बेहतर मानते हैं, हमारे अंदर एक एंजाइटी, थोड़ा बहुत जेलिसी, थोड़ा बहुत रिजेंटमेंट भी होता है. एंड वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम इससे बेहतर बन सकते हो. वो जेलिसी, वो एंगर, वो रिजेंटमेंट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम इससे बेहतर बन सकते हो. लेकिन हम इस तरह सोचते नहीं, हम इस तरह सोचते नहीं. और रूट कॉज क्या आया कि आपकी ये इनसिक्योरिटी थी कि आप उसे डिजर्व नहीं करते. क्यों? क्योंकि बचपन से आपके साथ कोई नहीं टिका. लेकिन इसका मेन मुद्दा ये है कि आपको अपने साथ बैठना चाहिए और पूछना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इससे बेहतर बनूं. ऐसे हम नहीं सोचते. और बेसिकली करना भी कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ थॉट्स प्रोड्यूस करने होते हैं और उस अवेयरनेस में शिफ्ट हो जाना होता है. इट्स दैट सिंपल. लेकिन जिसका ये कोर है कि हाँ मैं सैड हूँ, मैं लैक हूँ, अगर वो ये क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा है, दैट मीन्स दे आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, दे आर गोइंग इन टू अ वॉइड. एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप उस वॉइड में भी हो,
आपको रियलिटी ट्रिगर कर रही है. सपोज आप एक कपल को देखते हो इन द पार्क एंड आप उसको देख के और सैड फील करते हो कि सी कितने अच्छा कपल है, एक दूसरे के साथ है, काश मेरा भी ऐसा होता. एंड यू स्टार्ट क्राइंग और यू लिटरली टेक अ डीप ब्रेथ एंड यू आर लाइक मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं होगा. अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, फील इट, उसको देखो. लेकिन एज अ थर्ड पर्सन आप बैठे हो, आप अपने आप को भी देखो कि आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, और उस कपल को भी देखो कि उसको देखने से आपको कैसा फील हो रहा है. एज अ थर्ड पर्सन इस पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करो, इसे बदलने की कोशिश मत करो, जस्ट लेट इट बी, लेट इट बी. उस अवेयरनेस में शिफ्ट हो जाओ कि आप ये बॉडी, आप ये माइंड हो ही नहीं, यू आर जस्ट अ थर्ड पर्सन जो ऑब्जर्व कर रहा है. जब आप इस ऑब्जर्वेशन को लंबे अरसे के लिए करने लग पड़ते हो, आप समझ जाते हो कि आप एक अवेयरनेस हो. यू आर फॉर्मलेस, यू आर फेसलेस, यू आर लिमिटलेस. जब आप ऐसे ऑब्जर्वेशन में बैठना शुरू करते हो, आप इमोशंस को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने देते, इमोशंस फिर डिराइव नहीं करते. अब देखो, जब किसी का ब्रेकअप हुआ, ठीक है, तो कोर में यही चल रहा है कि आई डोंट डिजर्व दैट पर्सन. कोर में तो यही बिलीव है कि आई डोंट डिजर्व दैट पर्सन. अब कोर से आपके, मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट से आपके थॉट्स एंड बिलीव्स बनेंगे. एक चीज जो है वो 10 उसी की जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है. अब उससे आप थॉट्स बनाओगे. थॉट्स क्या बनेंगे कि मैं डिजर्व नहीं करता, मे बी मैं इतना अच्छा नहीं दिखता, मे बी मैं इतनी अच्छी नहीं दिखती, मे बी मुझमें कोई कमी है, मे बी मुझे कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में, मैं पीछे रह जाऊंगी, मेरे कोई दोस्त नहीं बनेंगे, या मैं हमेशा अकेली रह जाऊंगी, मुझे कोई भी इंसान प्यार नहीं करेगा. अब इससे आपकी थॉट्स एंड बिलीव्स बनना शुरू हो जाएंगे, और जो बने हुए हैं 20-25 साल से, ये बने हुए हैं आपके ऐसे थॉट्स एंड बिलीव्स, तभी आप ऐसे पछता रहे हो. जब थॉट्स एंड बिलीव्स बन गए, उसके बाद आपका क्या बनेगा? उसके बाद आपके इमोशंस आएंगे. थॉट्स एंड बिलीव से आपके इमोशंस आते हैं. जब आप ये सब कह रहे हो कि मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, मुझे जिंदगी भर अकेला रहना पड़ेगा, जब आप ये कह रहे हो उसके बाद आपको इमोशन फील हो रहा ना, वो इमोशन क्या है? खालीपन, अकेलापन, उदासी, हताशा, सब कुछ फील हो रहा है. यही इमोशंस आएंगे. सेल्फ कॉन्सेप्ट से थॉट्स बनाए, थॉट्स से इमोशंस आ गए. अब जब इमोशंस आ गए, तो इमोशंस के बाद हमारा एक रिएक्शन होगा जेन्युइनली. जैसे अगर हम बोलेंगे कि हमें कोई प्यार नहीं करेगा, उसके बाद हम सैड होंगे, और सैड होने के बाद हमारा रिएक्शन क्या होगा? हम रोएंगे. अगर रोएंगे नहीं तो गुस्सा कर लेंगे. अगर किसी से हम बात भी कर रहे हैं और कोई हमें कॉम्प्लीमेंट भी कर दे कि यू आर वेरी ब्यूटिफुल, एंड ये मेरे साथ हुआ था वन टाइम, आई वॉज वेरी सैड एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइफ बड़ी होपलेस है, तो माई मदर टोल्ड मी कि चलो बेटा 2 मिनट मार्केट चलो मेरे साथ, मुझे कुछ काम है. एंड बेसिकली हमारे घर में रेनोवेशन चल रहा था, तो वी हैड टू सिलेक्ट सम फ्लोर टाइल्स एंड फॉर बाथरूम बेसिकली. सो आई वेंट देयर एंड जो वहाँ पे टाइल्स दिखाने के लिए अंकल थे, वो मेरी मदर के नोन थे. एंड उन्होंने मुझे देखा एंड आई वॉज जस्ट ट्राइंग फेकली, आई वॉज स्माइलिंग कि ठीक है, आई एम आउटसाइड एंड पीपल शुड नॉट नो व्हाट आई एम डूइंग और व्हाट आई एम थिंकिंग. एंड उन्होंने मुझे कहा कि ये बच्चा जो है ना आपका, टू माई मदर शी ही सेड, ये जो आपका बच्चा है ना फॉर मी, ये निंदने के लिए नहीं बना है, इसकी निंदा नहीं कर सकते आप, ये इतना अच्छा बच्चा है, इतना ब्यूटिफुल है. टू बी ऑनेस्ट ही सेड दोज वर्ड्स दैट शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड इसकी निंदा नहीं कर सकते आप, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है. एंड जब उन्होंने मुझे ये चीज़ कही, 2 मिनट के लिए आंसू आ गए. आई वॉज नॉट ग्रेटफुल कि मुझे ये कॉमेंट मिला है. आई वॉज लाइक क्या फ़ायदा मेरे इतने खूबसूरत होने का. ओके, आई वॉज लाइक कि क्या फ़ायदा अगर मुझे कोई बोलता है, कोई देख के मुझे ऐसा सोचता है कि आई एम ब्यूटिफुल, क्या फ़ायदा मेरे इतने खूबसूरत होने का कि अगर मुझे कोई पर्सन नहीं मिला अपनी लाइफ में, मेरी ब्यूटी बेकार हो गई. एंड आई केम बैक होम एंड आई क्राइड.
रिएक्शन मेरा यही था, सैडनेस के बाद रिएक्शन यही था। रिएक्शन आप हर जगह, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी दिखाएगी आपको, आपका कॉन्फिडेंस देखना कैसा होगा। जब आप रिएक्शन करोगे तो एक्शंस भी होंगे, है ना, एक्शन भी होगा। जब आप रोए, आपने अपने आप को डाउन किया, आपके आसपास के लोग, पता तो लगता ही है कि अगर आप उदास हो, खुश हो, आपके सिर्फ बैठे रहने से भी पता लग जाएगा कि आप उदास हो या खुश हो। एंड जब आप रिएक्शन रोए, उसके बाद एक्शंस भी होंगे आपके आसपास, एंड यू विल एक्ट ऑल्सो सर्टेन वे, है ना। बॉडी लैंग्वेज से भी आप ऐसे ही बात करोगे। जब हम खुश होते हैं, जब हम कंटेंट होते हैं, हम चलते भी अलग तरीके से हैं, और जब हम सैड होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम रो के आए होते हैं, हम चलते भी अलग तरीके से हैं, हम वैसे ही एक्ट करेंगे, राइट। और जब हम एक्ट करना शुरू कर देंगे, हम अपनी मैनिफेस्टेशन देखना शुरू कर देते हैं। मैनिफेस्टेशन सबसे लास्ट प्रोसेस होता है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। उससे पहले हमें ये पांच चीज़ें बदलनी होती हैं अपने अंदर बेसिकली। और ये पांच चीज़ें जो बदल जाए, जो इसे समझ के एक बार अपने आप को समझा ले कि अच्छा, कोर से पहले मैं आऊँगा ऑन थॉट्स एंड बिलीफ, पहले कोर वाला चेंज करेंगे, फिर थॉट्स एंड बिलीफ धीरे धीरे चेंज होंगे, थॉट्स एंड बिलीफ के बाद इमोशंस चेंज होंगे, इमोशंस के बाद मेरा रिएक्शन चेंज होगा, रिएक्शन के बाद मेरा एक्शन चेंज होगा, जब एक्शन चेंज होगा उसके बाद मुझे मेरा डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, इसीलिए जर्नलिंग करो। जर्नलिंग से क्या होता है, आप सबसे पहले ये चीज़ जानो कि जो भी चीज़ मुझे चाहिए उसके लिए मैं अपने आप को कोर में क्या कहता हूँ, मतलब नॉट इनसाइड माई बॉडी, इनसाइड माई ब्रेन, इनसाइड माई माइंड, वॉट आई थिंक ऑफ माई डिज़ायर, वॉट इज़ द ट्रू स्टेटमेंट जो मेरे दिमाग में चलती है कि ये नहीं होगा या मैनिफेस्टेशन पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। एंड फिर उसके बाद वाई पूछो, वाई आई फील लाइक दिस। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है, कोई मैनिफेस्ट करता, कोई नहीं करता, और मुझे नहीं पता ये मेरे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। मतलब दिस इज द प्रोसेस दैट यू शुड गो फ्रॉम। एंड जब आप ये कोर वाला कॉन्सेप्ट चेंज करोगे, देखो कि अच्छा ठीक है, मेरे थॉट्स एंड इमोशंस फिर क्या क्या होंगे अगर मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलो, थॉट्स एंड बिलीव्स बदल जाएंगे तो आपका इमोशन बदलना शुरू हो जाएगा, एंड इमोशन बदलना शुरू हो जाएगा तो आपका रिएक्शन और एक्शन दोनों बदल जाएंगे। लेकिन रियलिटी तो पुरानी आपके सामने ही रहेगी। जब आप ये सब कर रहे हो ना, रियलिटी आपके सामने रहेगी। रियलिटी से तो घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि रियलिटी हमारी पिछली सोच का नतीजा है। अभी हम सोच ही तो बदल रहे हैं। जब पूरी तरह बदल लेंगे, रियलिटी भी पूरी तरह बदल जाएगी। अगर कोई ट्रिगर आ रहा है इस दौरान, उस ट्रिगर को आने दो, उससे लड़ो मत, बदलने की कोशिश मत करो उसे। अगर कोई सैड फीलिंग भी आ रही है, उसे आने दो, उसमें बैठो तीन चार दिन, तीन चार हफ्ते, तीन चार महीने, जब तक वो सैडनेस है उसमें बैठो, मत बदलो। लेकिन जब आप उस सैडनेस में नहीं हो, तब आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, अपनी डिज़ायर से लेके। क्योंकि यहाँ पे कोशिश की है मैंने कि अगर एक अनहैप्पी ब्रेकअप होता है और एक हैप्पी रिलेशनशिप होता है, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा कोर में, एंड उनका रिजल्ट क्या होगा। जैसे अगर एक हैप्पी रिलेशनशिप होगा तो उस पर्सन का कोर बिलीफ होगा कि मैं, मुझे एक रिलेशनशिप में बहुत प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, अटेंशन मिलता है, जो मुझे चाहिए वो सब मिलता है, तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सब मिलता है, आई एम हैप्पी। ये उसका कोर बिलीफ है, ओके। एंड उस कोर बिलीफ से वो थॉट्स एंड बिलीव्स बनाता है। थॉट्स एंड बिलीव्स क्या बनाता है कि मैं खुश हूँ, मैं कंटेंट हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आई एम सैटिस्फाइड, मैं बहुत खुश हूँ। जब ये थॉट्स बनाता है, उससे उसे ये इमोशन आता है कि उसको एक्चुअल में खुशी महसूस होती है, उसे कहते हैं ना संपूर्णता, कंटेंटमेंट, ब्लिस फील होता है, इमोशन भी फील हो गया। जब उसे इमोशन ये फील होता है, उसका रिएक्शन क्या होगा, हंसना, छोटे छोटे मोमेंट्स को स्पेशल बनाना, मतलब कोशिश करना कि प्रेजेंट मोमेंट में मस्ती करना, हमेशा
कोई कोई अगर बुरी चीज भी हो जाती है उसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ डील करना, अगर कोई कुछ एंगर में भी बोलता है तो उसे भी शांत करना एंड अपने आप को खुश रखना बेसिकली. जैसे अगर कोई गुस्से में बोला कि तुमने ऐसे ऐसे किया है तो तुम उसे प्यार से, अरे यार तुम शांत रहो, कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं, दो मिनट रुको. ये एक क्वालिटी बन जाती है एक इंसान की, ये उसका रिएक्शन बन जाता है, राइट? वो ये सोचने लग पड़ता है, वो देखने लग पड़ता है कि अच्छा अगर सामने वाला गुस्से में है बट मैं तो खुश हूँ, मुझे तो जो चाहिए था वो सब मिल रहा है, सो आई विल ट्रीट हिम दिस वे, एंड उसी पे वो एक्ट करने लग पड़ता है. यू स्टार्ट एक्टिंग जेनरसली, यू स्टार्ट बीइंग हम्बल, यू स्टार्ट एक्टिंग इन अ वे दैट यू आर लव्ड. एंड जब आप ऐसे एक्ट करते हो आपको आपकी डिजायर्ड मैनिफेस्टेशन मिलती ही मिलती है. ये प्रोसेस आपको करना है. This is the process that I'm talking about. And this is basically state. Like it's a way of shifting your awareness into a desired state. Ye process jab hum completely understand karenge. And to be honest, agar aap ye steps samajh jao, kyunki Neville Goddard ki books, unhone apni awareness ke level pe likhi thi. But certain things I have learned myself and these are the things that have helped me. So, agar aap is step ko samajh jate ho, aap bahut aasani se apni desired state mein shift kar jaoge. And this is completely logical. Logical but not structured. Okay? And abhi agar hum compare karte hain with something ki jahan pe unhappy relationship hai, उसका कोर क्या है? उसका कोर है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया. क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं डिजर्व नहीं करता. उनका कोर बिलीव क्या है कि मैं डिजर्व नहीं करता. उससे वो थॉट्स एंड इमोशंस बनाएंगे कि अगर मैं डिजर्व नहीं करता तो मुझे कोई भी छोड़ के जा सकता है. एनी बॉडी कैन लीव मी, आई एम नॉट वैल्यूड, आई एम नॉट रिस्पेक्टेड. ये उसके थॉट्स एंड बिलीव्स बन गए. जब उसके ये थॉट्स एंड बिलीव बन गए, उससे वो इमोशंस क्या बनाएगा? आई एम सैड, I am unhappy, I am not content, I am not in a blissful state, I don't feel any happiness, I don't see the point of living. ये सब emotions वो feel करेगा, right? जब emotions feel करेगा, इसका reaction भी होगा. इसका reaction क्या होगा? Crying, अकेले रहना, दुखी रहना, बैठे रहना, अपने आप को एक room में बंद कर लेना, रोते रहना, कहीं बाहर नहीं जाना, life enjoy नहीं करना, यही सब उनके क्वालिटीज, यही सब उनके रिएक्शंस होंगे. इन्हीं रिएक्शंस में उनके एक्शंस भी हैं. जैसे अगर वो सैड हैं, सारा दिन बेड में बैठ के फ़ोन स्क्रॉल करते रहना, उल्टी सीधी चीज़ें देख के अपने आप को, अपनी डेस्परेशन कम करने की कोशिश करना, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करना डेस्परेटली कि कैसे भी ये फीलिंग जो है ये बदल जाए, ये उनके एक्शंस हो जाएंगे. और जब आप ये सब एक्शंस करोगे तो आपको वही डिज़ायर्ड मैनिफेस्टेशन मिलेगी, है ना? डिज़ायर्ड मैनिफेस्टेशन क्या है? कि आपके पास वो चीज़ नहीं है. क्यों? क्योंकि आप वो डिजर्व नहीं करते. इट्स दैट सिंपल. बट इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है. एंड दैट इज़ वाई मैंने ये कंप्लीट फ्लो चार्ट बनाया, कंप्लीट कंपैरिजन बनाया. एंड मैं सुबह से इसी पे लगी हुई थी कि हाउ कैन आई एक्सप्लेन कि कैसे इमोशंस को आप, तो कैसे आप अपनी अवेयरनेस को जान के इसे बदल सकते हो. एंड अगर आप अवेयरनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, सो आई वुड से इसकी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है जस्ट टू सिट एवरी डे मॉर्निंग, ठीक है, एवरी डे इन द मॉर्निंग जस्ट टू सिट विद योरसेल्फ फॉर 20 मिनट्स एंड जस्ट सिट इन साइलेंस एंड धीरे धीरे आस्क योरसेल्फ, हु एम आई, मैं हूँ कौन? एंड आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे. हर बार आंसर बदलेगा एंड आपको पता चल जाएगा कि अवेयरनेस जो है वो परमानेंट है. मैं कहीं नहीं जा रहा बट मैं के आगे जो मैं जोड़ दे रही हूँ वो हमेशा चेंज होता रहेगा. तो जो चीज़ कभी परमानेंट है ही नहीं, उसके हिसाब से मैं अपने आप को क्यों कंट्रोल करने दूँ? उन थॉट्स, उन इमोशंस को मैं अपनी अवेयरनेस क्यों कंट्रोल करने दूँ? जब आप ये चीज़ समझ जाओगे, आप इस प्रोसेस को भी थ्रू आउट प्रैक्टिस करें. जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस
प्रोसेस को प्रैक्टिस करें बाय मेकिंग नोट्स, शॉर्ट शॉर्ट बुलेटिन्स बनाओ, समझो इस चीज़ को, क्योंकि जब आप पेपर पे लिखते हो आपकी 90% नॉइज वैसे ही ख़त्म हो जाता है. दैट्स ऑल. आई होप इस वीडियो से आपका हेल्प हुआ हो एंड आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो. अगर आपको अभी भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय.